Hello friends, welcome back to my channel Divyu Vlogs. I hope you all are doing great in your life. Friends, आज हम लोग एक ऐसे डिश के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही न्यूट्रिशियस है और खाने में बहुत यमी लगती है। इस डिश का नाम है इडली। इडली को हम चाहे तो ब्रेकफास्ट के तौर पे भी ले सकते हैं और चाहे तो हम इवनिंग स्नैक की तरह भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम घर पर ही इडली को किस तरह से बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। इडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 कटोरी चावल और 1 कटोरी उड़द दाल की ज़रूरत है। यहाँ हमने ये कटोरी में निकाल ली है ये चावल। चावल आपका थोड़ा मोटा चावल चल जाएगा और साथ में 1 कटोरी उड़द दाल। जो चावल और उड़द दाल है उन्हें ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। देखिए हमने यहाँ पे चावल को थोड़े से पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा ये पेस्ट कितना बढ़िया बनकर आया है। इसी तरह हमें जो उड़द दाल है उसे भी पानी डालकर हल्का सा मिक्स कर लेना है। देखिए हमारी उड़द दाल का पेस्ट भी बनकर बिल्कुल तैयार है। इडली का बैटर बनाने के लिए हमें जो चावल का पेस्ट और जो आपकी उड़द दाल का पेस्ट है उन दोनों को मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने चावल का पेस्ट डाल दिया है। और साथ में जो आपके उड़द दाल का पेस्ट है आपको उसको भी इसमें मिक्स कर देना है। अब हमें इस पेस्ट को रात भर खमीर उठने के लिए रख देना है। हमारा जो बैटर है इसमें अच्छे से खमीर उठ चुकी है। अब आप इसमें हल्का सा नमक ऐड कर सकते हैं ताकि आपके जो इडली है उसमें अच्छा सा टेस्ट आए। अगर आपकी इडली का बैटर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इसमें इनो भी ऐड कर सकते हैं। अब इडली के बैटर को उसके मोल्ड में डालने से पहले इस मोल्ड में अच्छे से बटरिंग कर लीजिए ताकि आपकी जो इडली है वो निकालती बार आसानी से निकल पाए। इडली के मोल्ड डालने से पहले आप अपने इडली कुकर को थोड़ा सा प्री हीट कर लीजिए। इसके लिए आप इसमें आधा ग्लास पानी डालकर इसे थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दीजिए। अब आप इन मोल्ड्स में इडली बैटर को डाल दीजिए। आप चाहें तो टेस्ट के हिसाब से इसमें अलग से कुछ मिर्च या कोई और मसाला डाल सकते हैं। इस तरह से इन्हें पूरा फिल नहीं करना है, अदरवाइज जब इडली फूल के बाहर आएगी तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो इस तरह इसमें इडली बैटर फिल कीजिए और इन मोल्ड्स को इडली कुकर में रख दीजिए। अब आपको इस इडली कुकर का ढक्कन लगाकर इसे तब तक पकने देना है जब तक इस कुकर में सीटी नहीं आ जाती। जैसे इस कुकर में सीटी आएगी आपको गैस को बंद कर देना है और उसके बाद इडली को बाहर निकालना है। देखिए हमारे यहाँ पर कुकर ने सीटी दे दी है और जो हमारी इडली हैं वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हैं। आप देख सकते हैं कि अच्छे से फूल चुकी हैं। इडली को चेक करने के लिए आप इसमें कोई नुकीली चीज जैसे कि चाकू से
से चेक कर सकते हैं कि अगर चाकू साफ बाहर आ जाए तो इट मींस आपकी इडली अच्छे से पक चुकी है। अब आप अपने इडली मोल्ड को कुकर से बाहर निकालकर थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दीजिए। देखिए अब थोड़ा सा जो ये मोल्ड है वो ठंडा हो चुका है और जो हमारी इडली है इन्हें भी देखिए ये कितनी फूल कर बाहर आई है, यानी कि अच्छे से पक चुकी हैं। देखिए ये कितनी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इन्हें इस मोल्ड से बाहर निकालेंगे। इसके लिए आप किसी चाकू या किसी भी नुकीली चीज का यूज कर सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से बाहर आ जा रही है, देखिए कितनी अच्छे से बनी है, देखिए ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी आराम से टूट जा रही है, अंदर भी ये कितनी फ्लफी है। इसी तरह से अब हम बाकी जो इडली हैं उन्हें भी निकाल लेंगे। देखिए कितनी यम्मी हमारी इडली बनकर आई है, बहुत ही टेस्टी फ्लफी और मुंह में घुलने वाली इडली बनी है। आप भी इसमें थोड़ी सी गार्निशिंग कर सकते हैं राई की, साथ में अगर कोई आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचे रहिए और ऐसे ही अच्छे अच्छे डिशेस को ट्राई करते रहिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।